की दिन की वीडियो है, यानी कि मंगलवार की। अभी तक हमने नहाया नहीं है, फास्टिंग भी नहीं करी पापी, मुझे लगा चिपकली है पैर के नीचे। और ये देखिए, रात में चूहा इतना तंग कर रहा था कि इनको हम चूहेदानी लगाएं, और आपको दिखाते हैं लाइट में। ये देखिए चूहा पकड़ाए हैं, इतना ये परेशान कर रहा था। देखिए इसको आज बहुत बड़ा सा चूहा है, आज तेरे को मैं छोड़ूंगी घूमने जाना गार्डन में। और इतना ये तंग कर रहा था, जब हम लोग सोने जाते थे खटर पटर किचन में इधर उधर करके सारे सामान, कितनी शीशी को तोड़ ताड़ दिया ये किचन में। तो अब हम घर का काम करके जाते हैं, पूजा पाठ तो करना नहीं है इनको, ये करेंगे और कुछ नाश्ता करेंगे। आज हमने नाश्ते में बनाया ब्रेड पकौड़ा, तो उसी के साथ अपना पारण करेंगे, सबको खिला दिया, बस हम बाकी हैं। चूड़िया रात में खोल दिए थे, तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो मेरा नहाना धोना हो गया है, आप सबको नाश्ता भी करा चुके हैं आपको जैसा कि बताए थे। और ये है मेरा तबीयत, कल ही से कुछ ठीक नहीं लग रहा, और ये अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, सबको करा दिया। आज रोटी नहीं बनाए थे, चने की सब्ज़ी बनाए हैं, और सोच रहे थोड़ा सा चावल बना देंगे और पकौड़ी चने की, और ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा। कैमरा पकड़ो ना तो फिर दूसरे उल्टे हाथ से छलनी चलती ही नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा नाश्ता, अभी हम खाए नहीं, कल का मेरा फास्ट था, तो अब ये खा के। और इधर चावल भी बैठा दिए हैं, इधर चावल बैठा है क्योंकि हस्बैंड जी को निकलना है, नाश्ता किए हुए आज लेट से निकलेंगे, तो खा के निकल लेंगे इकट्ठे। और उसके बाद घर का मेरा सारा काम हो गया है, किचन क्लीन हो गया एकदम। देखिए हमारा किचन आपको ऐसा दिख रहा है, एकदम साफ़ सुथरा, खाना वगैरह सब बन गया। वही कहे ना चावल चढ़ाए हुए, इधर मेरा नाश्ता बन रहा है, सब हो गया काम, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब हो गया है, सब लाइट ऑफ किए हुए। तो ये देखिए सारा मेरा काम हो गया है, क्लीन है। तो अब मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद, कुछ बातें करते हैं आपसे, ठीक है। तो ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया, चलिए हम खा लेते हैं इसको, लाइट ऑफ किया जाए। नाश्ता मेरा रेडी है, अब इसको गरम गरम चाय के संग खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ब्रेड पकौड़ा फास्टिंग के बाद पारण में ब्रेड पकौड़ा ही ज़्यादातर बनाने में आसानी होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ खाइए ब्रेड पकौड़े और सॉस और साथ में चाय। तो एक सामान का सुमार पहला तो बीत गया, अब तीन रह गए हैं। इस बार सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या है ही कि 70 साल के बाद पहला जो सावन चढ़ा ना तो सोमवार को, और उतरेगा भी तो सोमवार को, मतलब फर्स्ट और लास्ट जो चढ़ती उतरती सोमवार है, सोमवार को ही पड़ रहा है। तो ये 70 साल के बाद ऐसा सहयोग मिला है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो व्रत करते हैं उनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, हम औरतों के लिए। तो कौन कौन औरतें ये सावन का सोमवारी की हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा जरूर। तो मैं सो गई थी थोड़ा सा, नाश्ता करने के बाद नींद आ रहा था थकान जैसा, और चेहरे पे देख सकते हैं जैसे सूजन जैसा लग रहा था, पता नहीं क्यों। और सुखी भी स्कूल से आ गई है, कपड़ा खोल रही थी क्या तुम, रख रही हो, एक मिनट देखे रख दो मशीन पे, कल तो ये पहन के नहीं जाना, हाउस ड्रेस पहन के जाना। हाँ, कल तो चलो हाथ पैर धो, तुम्हारा हम धो ली, तो चलो खाना निकालते हैं। ना टाई बेल्ट सही जगह रखो, जहाँ रहा था फिर सुबह खोजना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम खाना देते हैं, जो थोड़ा बहुत बर्तन है वो धुलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलो व्यूअर्स को हाय बोलो, हाय, इधर आओ लाइट में, हाय। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये लो खाना खा लो, उसके बाद हम बर्तन धुल लेते हैं। तुम्हारा फेवरेट चने की सब्जी बनाए थे, अच्छा वाले खा लो। और अपने गाय से बोलते हैं आज का ब्लॉग यहीं तक रहता है, आगे हम नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल या परसों तक, कल अगर कोई टॉपिक मिला तो बनाएंगे जरूर, और नहीं तो परसों, क्योंकि मेरे व्यूवर्स का डिमांड है कि आप रोज़ ब्लॉग डालिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे ब्लॉग को वॉच कीजिए, फुल वॉच कीजिए, और उस पर लाइक कमेंट कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और हम आपको एक नया टॉपिक दिखाएँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएँ। तो फिर कल मिलते हैं आपसे।